आंगनवाड़ी केंद्रों पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने बुधवार को नगर निगम में एकत्रित होने के बाद जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार से उन्हें नियमित कराने की मांग की। इन महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। जिला कलेक्ट्रेट पहुंची इन महिला कर्मचारियों ने प्रदेश की गहलोत सरकार से उन्हें नियमित करने की, साथ ही नियमितीकरण में आने वाली समस्याओं तक सभी कर्मचारियों का वेतन 18,000 रूपए करने की मांग भी की। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्र की यह महिला कर्मचारी पिछले कई वर्षों से नियमित करने की मांग कर रही है, लेकिन उनकी मांग पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब देखना यह होगा कि इन महिलाओं की मांगों का सरकार कब तक समाधान करती है। प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरा नाम गीता शर्मा है, मैं अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और राजस्थान आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की संगठन मंत्री हूँ। आज की हमारी मुख्य मांग, आज हमारा जो ये प्रदर्शन होने वाला है राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर, आज हमारा ये प्रदर्शन होने को जा रहा है। और हमारी मांग, मुख्य मांग हमारी है कि हम आंगनवाड़ी की बहनों को राज्य कर्मचारी किया जाए। अगर राज्य कर्मचारी होने की प्रक्रिया में कुछ देरी लगती है, तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन, सहयोगी और हमारी मिनी कार्यकर्ता, इन सभी को 18,000 रुपये मानधन दिया जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी? उग्र आंदोलन करेंगे। और अभी हमारा, आज हमने यहाँ पर एक छोटा सा, आज हमारे जिला, आज हमारा प्रोग्राम राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पे है। इस कार्यक्रम को देखते हुए आज हमारी कितनी बहनें आएगी, तो आज हमारी संख्या सभी जिला मुख्यालय पे करीब करीब सुनने में आ रहा है, बहुत अच्छी है। उदयपुर की करीब करीब 100% बहनें यहाँ पहुँच चुकी है और सभी महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है और हम 16 दिसंबर को जयपुर की सड़कों पर उग्र आंदोलन करेंगे। यदि हमें राज्य कर्मचारी किया जाता है, 18,000 राज्य कर्मचारी नहीं किया गया तो 18,000 रुपये दे दे तो ठीक, वरना हम जनवरी में सेंटर बंद करके उग्र आंदोलन करेंगे और काम का बहिष्कार करेंगे।